24 तारीख का जन सैलाब। और आप देख सकते हैं ये सैलाब। जी हाँ, आप देखिए कहाँ तक सैलाब जा रहा है। ये वाकई में एक सैलाब निकला है दीवा पाटिल जी के नाम के लिए। जी हाँ, एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल जी का ही नाम होना चाहिए, ऐसा भूमिपुत्रों का कहना है। और भूमिपुत्र आज रास्ते पर उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में लोग उतरे हैं। ये तो मैं आपको एक तरफ का एरिया दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ का एरिया आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये ब्रिज के ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ जो जन सैलाब उबड़ निकल के आया है। जी हाँ, ये देखिए आप, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जी हाँ जी हाँ, जहाँ तक भी नज़र हो सके आप घुमा के देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सैलाब। जी हाँ, दीवा पाटिल जी के नाम के लिए। ग्रस्त होता तो मैंने घेतल्याने छाती वर घा, नवी मुंबईचा विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईचा विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईचा विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव। छाती वर घा, नवी मुंबईचा विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईचा विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईचा विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव, नवी मुंबईचा विमानतळाला द्या दीपा पाटलांचं नाव। जी हाँ, तो आप देख चुके हैं जन सैलाब किस तरह से उमड़ा है। लाखों की तादाद में लोग उतरे हैं और चाहते हैं कि एयरपोर्ट का नाम। मैं गाड़ी से शॉट ले रहा हूं, आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में हूं, क्योंकि पार्किंग की सुविधाएं जो हैं वो थोड़ी सी अरेंजमेंट
ठीक तरह से नहीं हो पाया है ऐसा मुझे लगता है, और पत्रकारों को इससे काफ़ी तकलीफ हुई है क्योंकि पत्रकार ठीक तरह से सही जगह पे पहुंचने में लेट हो रहे हैं या फिर सक्षम हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी पार्किंग काफ़ी दूर है, पत्रकारों के लिए अलग से पार्किंग का अरेंजमेंट नहीं किया गया है। जी हाँ, तो ये आशीष जी, जैसे कि मैंने कहा था कि आज 24 तारीख और सैलाब आप देख रहे हो, एक समंदर की बड़ी लहर आप देख रहे हो, जिस हिसाब से मराठा मोर्चा हुआ था उससे भी बड़ा मोर्चा आगरी पुली कराड़ी समाज का, दिवंगत दिबा पाटिल साहब का नाम नवी मुंबई विमानतल के लिए लगना चाहिए, इस भावना से, इस इच्छा शक्ति से, इस प्रेरणा से लोग आए, लाखों की पब्लिक आप देख रहे हो, एक लोगों की भावना है कि नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो बन रहा है उसको नवी मुंबई का एयरपोर्ट के लिए दिवंगत दिबा पाटिल जी का नाम लगना चाहिए, यहाँ के भूमिपुत्रों की मांग है। और आप आज देख रहे हो लाखों का मोर्चा है, पनवेल, उरण, रायगढ़, थाने, नवी मुंबई से लाखों का समुदाय आप देख रहे हो आज भी। और हमारी एक सरकार से गुजारिश रहेगी कि हमारा जो मोर्चा है ये शांतिपूर्ण मोर्चा है, यहाँ पे कोई भी कुछ गड़बड़ गोंधल होने वाला नहीं है, तो बिल्कुल आप सहयोग करें। ये शाम तक हमारा एक 4 से 4:30 बजे तक का हमारा मोर्चा है और वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में लोग अपने अपने घर पे चले जाएंगे। लेकिन आज के इस मोर्चे ने दिखा दिया है कि आगरी कोली कराड़ी समाज का मोर्चा क्या होता है, और ये मोर्चा का दखल सरकार ने लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। भी नजर हो सके आप घुमा के देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं सैलाब। जी हाँ, दीबा पाटिल जी के नाम के लिए। क्या आप पत्रकार हैं तो हमारे संघ से जुड़िए।